दोस्तों, यह हेरा फेरी 3 का शूटिंग स्टार्ट हो गया है और जैसा कि आप सबको पता है, इसमें वही ट्रायो फिर से नजर आएंगे, मतलब अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल, जो राजू श्याम बाबूराव का रोल में तीसरी बार नजर आएंगे। और फिल्म के सेट से अक्षय कुमार वही पुराने वाली डिज़ाइन की शर्ट पहने हुए नज़र आ रहे हैं, जो फैंस को काफ़ी एक्साइटेड कर रहा है। आपको बता दें, यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसके सबसे ज़्यादा फनी इंसिडेंट क्लिप्स के मीम्स बनाए जाते हैं और इस वजह से ये फिल्म दर्शकों को काफ़ी लुभाते हैं। और ऐसी फिल्म जितनी बार देखें हम कभी बोर नहीं होते। आपको बता दें, यह तिगड़ी इस बार भारत में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर हेरा फेरी करेंगे और दुबई, लॉस एंजल्स जैसे जगहों पर ये फिल्म इंटरनेशनल लोकेशन पर शूट किया जाएगा। पहले 3 महीने तक मुंबई में इसकी शूटिंग चलेगी, उसके बाद अब्रॉड में शूट होगा। फिल्म का इंतज़ार काफ़ी दिनों से किया जा रहा है और पहले खबर आई थी कि अब जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन इस फिल्म में राजू का किरदार में नज़र आएंगे, पर वो हुआ नहीं। इसके बाद कार्तिक आर्यन को लेने की बात चल रही थी, जिस पर परेश रावल ने भी हाँ में हाँ मिलाया था, पर फैंस और पब्लिक का स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर्स को अक्षय कुमार को ही लेना पड़ा और सुनील शेट्टी ने भी इसके लिए रिकमेंड किया था। अगर हीरोइन की बात करें तो अनुराधा का रोल के लिए कृति सनन और दिशा पटानी का नाम खबरों के हिसाब से मिल रहा है और रश्मिका मदाना का भी नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, पर अभी तक किसी को फाइनलाइज नहीं किया गया है।